हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स पे। मैं हूं सत्येंद्र सिंह, आप सभी के साथ इस चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट, जो कि आप लोगों को पता है कि सी टेट का ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है, ठीक है। इसी के साथ कुछ दिन बाद मान के चलिए यहाँ पे यूपी टेट का भी फॉर्म आ जाएगा। तो उसमें आप सभी को पता है कि एक मैथ का जो कि टॉपिक होता है, जिसमें 30 क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, जिसमें लोगों को प्रॉब्लम्स होती है, तो उसी को मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा और समझूंगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से आज से डेली यूपी टेट और सी टेट का जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा, तब तक हम लोग प्रॉपर तरीके से मैथ की क्लासेस यहाँ पे डेली करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने वीडियो में। हम मैथ का एक टॉपिक, जो कि आप सभी को पता है कि सबसे पहला टॉपिक हमें क्या पढ़ना चाहिए, संख्याएं यानी नंबर, ठीक है। तो हम लोग आज यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए क्या करेंगे, नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। जब आप सभी को पता है कि मैथ का सिलेबस ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पे काफ़ी फंस जाते हैं। तो हम लोग आराम से अच्छे से एक सीक्वेंस से इस वीडियो में अच्छे से क्लासों को प्रॉपर कवर करेंगे, और आगे भी हम लोग ऐसे ही कवर करते चलेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, संख्याएं यानी नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों को बता दें कि संख्याएं क्या होती हैं, आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन फिर भी हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि इस क्लास में हम लोग आप सभी को बिल्कुल बेसिक से यानी नीचे से लेकर ऊपर तक बिल्कुल आराम से एक सीक्वेंस वाइज ले जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल बेसिक क्लास रहेगी, आप लोग सभी लोग अच्छे से समझ सकते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे नंबर की। तो नंबर्स क्या होते हैं, तो आप लोग को पता होगा, जैसे अब हमारे यहाँ पे ये दो मार्कर हैं, ये मार्कर हैं, तो अब इनको क्या करना है, मैंने गिनना है। तो हमें कोई भी चीज़ गिनने के लिए, किसी भी चीज़ की गणना करने के लिए या गिनती करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, नंबर की। तो नंबर हमें इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि हम किसी चीज़ को गिन सकें, ठीक है। कोई भी चीज़ आसपास जितनी चीज़ें हैं, अगर हम उनकी गणना करना चाहें, गिनना चाहें, तो उसके लिए हमें संख्याओं की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए हमें संख्याओं की ज़रूरत पड़ी थी, तो उसी के लिए इतनी सारी संख्याएँ बनाई गई हैं। आप सभी को पता है बेसिकली कितनी संख्याएँ होती हैं, 0 से लेकर 9 तक संख्याएँ होती हैं, टोटल 10 संख्याएँ होती हैं। उन्हीं को दोहरा दोहरा के बहुत सारी संख्याएं बनाएगी, अनंत तक की संख्याएं बनाई गई हैं, ठीक है। तो उसी में हम संख्याओं को डिवीजन किया गया है, यानी बांटा गया है, कितने प्रकार में बांटा गया है, उन्हीं को डिस्कस करते हैं। तो आइए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं प्राकृत संख्याएं कौन होती हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं। प्राकृत का मतलब होते हैं जो प्रकृति में जो अपने आप आए, जिनको बनाया गया, सबसे पहले बनाया गया था। तो शायद आप लोगों को पता होगा जो प्राकृत संख्याएं हैं वो 1 से लेकर 9 तक हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो ये 1 से लेकर जो जो 9 तक संख्याएं हैं, इन्हीं को हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्याएं कहते हैं, ठीक है। यही सबसे पहले संख्याएं थी, इसलिए इन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी नेचुरल, जो हमें पहले से मिली हुई हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले ये 9 संख्याएं थी जो कि प्राकृत संख्याएं थी। बाद में क्या हुआ, 0 की खोज के बाद इसमें 0 को भी ऐड कर दिया जाए। अगर हम लोग क्या करें, प्राकृत संख्याओं में अगर 0 को ऐड कर दें, यानी 0 को ऐड कर दें, तो हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी, हमारी पूर्ण संख्या किसमें ऐड करने पर, तो प्राकृत संख्या में 0 को अगर हम ऐड कर लें तो वो हमारी हो जाएंगी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। तो आइए यहाँ पे हम करके दिखाते हैं। यहाँ पे तो ये होगी हमारी प्राकृत संख्याएं, इनमें क्या करना है, अगर हम 0 को ऐड कर लें तो जो हमारी संख्याएं बन के आएंगी उन्हें हम कहेंगे पूर्ण संख्या, यानी होल नंबर कहेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है आप लोगों के एग्जाम में, कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्राकृत संख्याओं में 0 को जोड़ने पर किस प्रकार की संख्याएं बनती हैं। तो ठीक है, याद रखना, क्वेश्चन फिर से दोहरा देता हूँ कि प्राकृत संख्याओं में 0 को यानी 0 को जोड़ने पर किस प्रकार की संख्याएं बनती हैं। तो आपका आंसर होगा पूर्ण संख्याएं, ठीक है। देखो, हमने यहाँ पे प्राकृत संख्याएं 1 से 9 तक लिखी थी, इसमें हमने क्या किया, 0 को जोड़ दिया, तो वो संख्याएं कौन सी हो चुकी हैं, पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर हो चुके हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको अच्छे से क्या करना है, प्राकृत संख्याओं में हमें क्या करना है, 0 को जोड़ेंगे अगर तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं पूर्णांक की। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, 0 से 9 तक की काउंटिंग कर लिए। पूर्णांक संख्याओं में क्या होगा कि हम 0 से भी पीछे जाएंगे, यानी 0 से पीछे कब जा पाएंगे, तो 0 से जब हम घटाना चालू करेंगे, यानी 0 के बाद हमारा -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा। अगर हम इन्हीं पूर्ण संख्याओं में क्या करें, माइनस की संख्या जोड़ लें, यानी जो कि 0 के उस तरफ आती हैं, माइनस की संख्या जो कि सबसे छोटी होती हैं, तो अगर हम माइनस की संख्याओं को जोड़ लेंगे तो वो हमारी आ जाएंगी पूर्ण संख्याएं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो आप लोग देखिए यहाँ पे, तो ये रहा हमारा, यहाँ पे देख लीजिए, 0, 1, 2, 3,
चार, इसी प्रकार इस तरफ, ठीक है। अगर हम क्या करें, जीरो की तरफ, जीरो की तरफ अगर संख्याएं जाएंगे तो जीरो से छोटी संख्याएं माइनस में होती हैं, यानी ऋणात्मक होती हैं, तो अगर हम जीरो के इधर जाएंगे तो ये हमें माइनस में लिखनी पड़ेंगी। इसी प्रकार यहाँ पे ऐसे, तो इन संख्याओं को हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं, यानी इंटीजर। याद रखना है, जीरो की तरफ धनात्मक संख्याएं हों और जीरो की तरफ ऋणात्मक संख्याएं हों तो उन्हें हम पूर्णांक संख्याएं या इंटीजर कहते हैं, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, क्वेश्चन पेपर में बन सकते हैं इनसे क्वेश्चन कुछ, ठीक है। फिर यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं सम संख्याओं के बारे में, यानी इवन नंबर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इवन नंबर क्या होते हैं? तो इवन नंबर वो होते हैं ऐसी संख्याएं जिनको अगर हम दो से भाग दें तो वो पूर्ण रूप से कट जाए, यानी दो से डिवाइड करने पर अगर जितनी भी संख्याएं पूरा पूरा कट जाएंगी तो वो हमारी सम संख्याएं होंगी। जैसे हमारे एग्जांपल हो जाएगा दो, अब हम दो को दो से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, दो एकम दो, यानी दो हमारी सम संख्या है क्योंकि पूरा पूरा दो से कट रही है। फिर दूसरी हमारी चार हो जाएगी, चार को अगर हम दो से डिवाइड करें तो भी वो कट जाएगी, दो दूनी चार यानी दो आएगा। तो इस प्रकार की जितनी संख्याएं होंगी जो दो से पूरा पूरा कट जाएंगी वो हमारी सम संख्याएं होंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप लोग देखिए यहाँ पे। तो सबसे पहली जो हमारी सम संख्या होगी वो दो हो जाएगी, जो कि किससे कट जाती है, दो से, ठीक है। दूसरी हो जाएगी हमारी चार, ये हो जाएगी छः, फिर आठ, दस, बारह, चौदह, सोलह, अठारह और ये बीस, इसी प्रकार आगे भी चलती रहेंगी, ठीक है। तो इन संख्याओं को आप लोग देख लीजिए, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दो से ना कटे, यानी सारी की सारी संख्याएं दो से कट जाएंगी, तो इसलिए ये संख्याएं होंगी सम संख्या। आप देख सकते हैं दो एकम दो आएगा, दो दूनी चार, दो तीन छः, दो चक्कू आठ, दो पंची दस, दो छंग बारह, दो सत्ते चौदह, दो अट्ठे सोलह, दो नौ अठारह, दो धाम बीस, ये सभी संख्याएं दो से कट रही हैं, इसलिए क्या होंगी, सम संख्याएं होगी। तो एक क्वेश्चन कभी भी पूछा जाता है कि 10 सम संख्याओं का योग कितना होता है, या पूछते हैं इनका औसत पूछते हैं। तो कभी आप लोगों को कभी 10 सम संख्याओं का औसत निकालने को आए तो आगे औसत के टॉपिक में हम बात करेंगे, लेकिन फिर भी बता दें तो पहला और लास्ट वाला अगर हम जोड़ लें, उनको दो से डिवाइड कर दें तो वही हमारा औसत होता है। तो आगे की बात है, फिलहाल आपको याद रखना है यहाँ पे सम संख्याएं क्या होती हैं, जो दो से डिवाइड हो जाएं वो सम संख्याएं होती हैं, ठीक है, याद रखना, यानी इवन नंबर। आप पूछा था हमने कि 10 सम संख्याओं का योग कितना होता है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हैं, तो आप लोगों को याद रख लेना होगा सम संख्याओं ये कितना होता है, 55 होता है, आपको याद रखना है कितना होता है 55। जोड़ के देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर आप चाहो तो जोड़ सकते हैं, लेकिन रहने दीजिए, ये क्वेश्चन आप लोग खुद कर सकते हैं। अगर 10 सम संख्याओं का योग पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, इन 10 संख्याओं को जोड़ देना है, ठीक है। वहाँ पे जोड़ने में हमें टाइम लगेगा तो इसलिए हम इनको नहीं करें, लेकिन अगर आपके एग्जाम में आए तो पहले आप लोग 10 सम संख्याएं लिख लीजिएगा, उसके बाद क्या करना है, इसको ऐड कर देना है। उसके लिए भी एक फार्मूला है, वो आगे क्लास में बताया जाएगा, फिलहाल यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हम संख्याओं को ही यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। फिर यहाँ पे आ जाइए, विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, यानी ऑड नंबर कौन से होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल जस्ट सम संख्याओं का अपोजिट करना है, तो ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित ना हो, यानी जो दो के पहाड़े में ना आए, जो दो से ना कटें, वो हमारी सारी संख्याएं हो जाती हैं विषम संख्याएं, ठीक है। अब आप लोग देख लीजिए, एक, क्या एक हम दो से काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं ना, क्योंकि दो के पहाड़े में नहीं आएगा। फिर इसके बाद हमारा क्या क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा, दो एकम दो, दो दूनी चार, यानी डिवाइड नहीं होगा। फिर इसके बाद हमारा हो जाएगा पाँच हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी प्रकार हमारा सात हो जाएगा, नौ, ग्यारह, तेरह, इसी तरह चलता रहेगा तेरह, ठीक है, थर्टी। तो क्या रखना है, ऐसी संख्याएं जो दो से डिवाइड ना हो, यानी दो के भाग देने पर वो पूर्णतः ना कटे, पूर्णतः विभाजित ना हो, वो होती हैं विषम संख्याएं, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं भाज्य संख्याओं की। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, कि ऐसी संख्याएं जिनका स्वयं और एक के अतिरिक्त अगर गुणनखंड है तो वो होती हैं भाज्य संख्याएं। फिर से सुन लीजिए, ऐसी संख्याएं जिनका स्वयं और एक को छोड़कर इसके अलावा भी अगर फैक्टर है तो वो होंगी हमारी भाज्य संख्याएं। जैसे एग्जांपल आपको दिखाते हैं, आप एग्जांपल, तो एग्जांपल में देख लीजिए, चार है हमारे पास, छः है, आठ है, नौ है और यहाँ पे बारह, इसी तरह और हैं पंद्रह, ठीक है। ये संख्या हमारी भाज्य हैं, कैसे हैं, यहाँ पे चार को देखिए, चार के अगर हम फैक्टर करें तो इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, दो हो सकता है, दूसरा दो हो सकता है, और क्या हो सकता है, एक हो सकता है, ठीक है। तो हम और भी फैक्टर हो सकते हैं यहाँ पे, चार का क्या हो सकता है, चार भी हो सकता है, ठीक है। ये इतने फैक्टर इसके किए जा सकते हैं,
तो हमने कहा था स्वयं को और एक के अतिरिक्त अगर और गुण इसके गुणनखंड बन रहे हैं तो वो भाज्य संख्या होगी। देखिए यहाँ पे चार को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 1 लिख सकते हैं, तब भी तो आ जाएगा ये 4 और 1 क्या होंगे, 4 के गुणनखंड होंगे। फिर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 भी लिख सकते हैं, तब भी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका मतलब ये 4 को और 1 को छोड़कर इसके अतिरिक्त भी इसके फैक्टर हैं, कौन कौन से हैं, 2 है और दूसरा भी 2 है। तो जिस संख्या के चार अपने अपने यानी 4 और 1 को छोड़कर अन्य फैक्टर हो जाते हैं यानी गुणनखंड हो जाते हैं तो वो संख्याएं होती हैं भाज्य। 6 को भी चेक कर लीजिए यहाँ पे, तो 6 को हम चेक करते हैं तो सबसे पहला मिल जाएगा 6 × 1, 6 कम 6 आ जाएगा, यानी पहला तो स्वयं हो गया और 1 हो गया, ये फैक्टर हो गया। इसके अतिरिक्त भी देख लेते हैं कौन होगा, तो इसके अतिरिक्त इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 × 3, तब भी 2 × 3 6 हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे स्वयं यानी 6 को और 1 को छोड़कर फैक्टर होने चाहिए, जैसे 2 और 3, 2 × 3 6, तो ये संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, याद रखना अच्छे से आपको, ये संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य होती हैं। इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं अभाज्य की। ठीक है, अभाज्य की बात करने से पहले थोड़ा सा साफ करके यहीं पे हमको समझाना होगा आपको, तो अभाज्य संख्याओं की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था, भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनका स्वयं और एक के अतिरिक्त और गुणनखंड होगा तो भाज्य संख्याएं होंगी। इसके विपरीत क्या होगा, अभाज्य संख्या यानी नॉन डिविजिबल नंबर ऐसी संख्याएं जिनका स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड ना हो तो वो होती हैं अभाज्य संख्याएं, यानी 1 होना चाहिए और स्वयं होना चाहिए, इसके अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं होता है तो वो हो जाएंगी हमारी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, तो सबसे पहली हमारी अभाज्य हो जाएगी 2। ठीक है, अभी हम समझाएंगे भी इनको कैसे हुआ। फिर दूसरी हो जाएगी 3 हो जाएगी, फिर 5 हो जाएगी, 7 हो जाएगी और 11, 13, 17, 19, 23, इसी प्रकार और भी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम 2 को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम 2 के फैक्टर करते हैं, तो 2 के फैक्टर, 2 को हम कितने फैक्टर में तोड़ सकते हैं, तो 1 तो हो जाएगा 1 × 2 कर लें तब 2 आ जाएगा। इसके अलावा क्या इसके फैक्टर हो सकते हैं, 2 × 2 करेंगे तो ज़्यादा हो जाए, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा। तो इसमें क्या हुआ, एक तो स्वयं संख्या यानी 2 आ गई, दूसरा क्या आ गया इसमें, 1 आ गया, तो स्वयं है और 1 है, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं है, इसलिए ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, कितने फैक्टर होने चाहिए, स्वयं का और 1 का फैक्टर अगर बन रहा है तो अभाज्य है, इसके अतिरिक्त अगर कोई फैक्टर नहीं है तो सोच लीजिए वो अभाज्य होगा। जैसे दूसरा चेक कर लेते हैं यहाँ पे, 3 3 का फैक्टर क्या होगा, 1 × 3, इसके अलावा कोई नहीं होगा, तो 1 देखो स्वयं है यहाँ पे 3 और दूसरा क्या है, 1 है, तो इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है, इसका मतलब ये अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो अच्छे से याद रखना, इसी प्रकार 5, 7, 11, 13 सभी हो जाएंगे। ठीक है, इतना याद रखना है, किसी के फैक्टर नहीं होने चाहिए स्वयं और 1 के अतिरिक्त, वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पे 1 को टिक कर देते हैं, तो कहते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है, क्योंकि इसके भी फैक्टर क्या होंगे, 1 × 1 होता है, यानी स्वयं होता है और 1 होता है, परंतु ऐसा नहीं होता है, 1 को हम अभाज्य संख्याओं में काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम 1 को छोड़ देंगे तो जो हमारी सबसे पहली अभाज्य संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो क्वेश्चन पेपर में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको याद रखना है, पूछा जाता है कि सबसे पहली यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो आप लोगों को बताना होगा वो कि 2 है। ठीक है, सबसे आप छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 होगी। ये आप लोगों के पेपर में आ चुका है, टेट, सुपर टेट, सीटेट, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बार बार दोहराया गया है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 होगी, आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिसे हम रेशनल नंबर भी कहते हैं। तो परिमेय संख्याएं वे होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q मतलब ऐसे, यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम्पल में कैसे लिख सकते हैं, P/Q के रूप में। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए P/Q के रूप में लिख दें, वो संख्या होंगी हमारी परिमेय संख्या। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अपॉन में होना चाहिए, यानी अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होना चाहिए। ठीक है, P/Q, और यहाँ पे एक कंडीशन भी है कि Q की जो वैल्यू है वो क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये याद रखना है, Q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, यानी जो भी हम ऊपर लेंगे, कुछ भी ऊपर ले सकते हैं P का मान,
पी का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी ले सकते हैं, क्यू का मान 0 को छोड़कर 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी ले सकते हैं, परंतु क्यू का मान हम 0 नहीं लेंगे। तो इस प्रकार की संख्याएं जो आएंगी वो परिमेय संख्याएं होंगी। एग्जाम्पल समझते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, हम यहाँ पे पी अपॉन क्यू, तो यहाँ पे हम पी का मान कुछ भी ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 3 ले लेते हैं, ठीक है, क्यू का मान भी कुछ ले लेते हैं तो 5 ले लेते हैं, तो ये जो संख्या होगी ये हमारी परिमेय संख्या होगी। अब देख लीजिए, यहाँ पे क्यू का मान 0 के अलावा कुछ भी होना चाहिए तो वो परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। दूसरा यहाँ पे समझ लेते हैं, 4 ले लेते हैं ऊपर, दूसरा नीचे ले लेते हैं 7, तो ये भी हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी क्योंकि पी बटे क्यू यानी 4/7 के रूप में है। अब पूछा जाए तो खाली पूछा जाए कि ये 5 जो 5 है ये परिमेय संख्या है या नहीं है, तो किसी भी संख्या के नीचे आप लोगों को याद रखना है हम 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1, 5/1 लिखेंगे तब भी वो क्या आएगा? 5 ही आएगा। तो चाहे तो हम 5 को क्या लिख सकते हैं? 5/1, यानी p बटा q बन रहा है और q का मान कितना है? 1 है, q का मान 0 नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। तो 5 भी हमारा परिमेय संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार 3 4 5 6 7 8 यानी ये संख्याएं जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सभी हमारी क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है आपसे, पूछा जाए कि 0 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? 0 परिमेय है या अपरिमेय है, ठीक है, तो सोच के बताइए क्या हो सकता है। कमेंट बॉक्स में आप लोग टाइप कर सकते हैं अगर आप सभी को पता है कि 0 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, चलिए बताता हूँ। तो 0 को यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, 0 ही इसकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, 0 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ऑप्शन दिए गए थे। 0 किस प्रकार की संख्या है? ऑप्शन दिया गया था परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, इनमें से कोई नहीं, इसी प्रकार के ऑप्शन दिए गए थे। तो अगर हम चाहें तो 0 के नीचे क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं, और 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तब भी वो क्या आएगा? 0 ही आएगा। यहाँ पे देखिए 0 था, इसको हम अगर चाहें तो हम किसी भी संख्या के नीचे, हमने कहा था 1 लिखा जा सकता है, तो हम 1 इसके नीचे लिखेंगे और 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही आएगा। और हमने कहा था परिमेय संख्याएं वो होती हैं जो p बटा q के रूप में लिखी हूँ, p का मान 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है परंतु q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये 0 जो है किसकी जगह पे है? p की जगह पे है, और 1 किसकी जगह पे है? q की जगह पे है। तो हमने कहा था Q का मान 0 नहीं होना चाहिए चाहे P का मान कुछ भी हो। तो यहाँ पे देखिए P बटा Q के रूप में है और Q का मान कितना है? 1 है, Q का मान यहाँ पे 0 नहीं है, इसका मतलब 0 जो होगा हमारा परिमेय संख्या होगी। तो आपको अच्छे से याद रखना है, यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ, तो तुम्हारा 0 जो है वो क्या है? परिमेय संख्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है एग्जाम के लिए, आपको दिमाग में बैठा के इसको रख लेना है। तो Q जो होगा हमारा क्या होगा? वो परिमेय संख्या होगी, ठीक है, याद रखना है। यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन आपको अच्छे से कराए हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 याद रखना है, और पूछा जाए 0 परिमेय संख्या है तो इसको भी अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में और यहाँ पे देख लेते हैं अपरिमेय संख्याओं को, ठीक है, तो याद रखना है आपको अच्छे से इतना, ठीक है। तो बताइए दोस्तों, आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में अगर आप सभी को पता है परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप आइए यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। तो अपरिमेय संख्याएं वे होती हैं जो पी बटा क्यू के रूप में ना लिखी जा सके, यानी यहाँ पर आपको याद रखना है पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखी जाने वाली संख्याएं क्या होंगी? अपरिमेय संख्याएं होंगी, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि ऐसे संख्याएं जिसका दशमलव प्रसार किया जाए वो सतत ना है, सतत मतलब कभी खत्म ही ना हो, चलता ही रहे, उन्हें हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए, इस प्रकार की कोई संख्या होगी, जैसे यहाँ पे हम बात कर लेते हैं रूट 5, यहाँ पे लिख लेते हैं रूट 2 है, रूट 3 है, रूट 5 है, और रूट 7, इसी प्रकार ये सारी संख्या है। अगर इनका हम दशमलव प्रसार करें तो ये कभी खत्म ही नहीं होगा। जैसे रूट 2 का मान है तो रूट 2 का मान होता है 1.414, ऐसे चलता रहता है, कभी खत्म ही नहीं होता है। तो जिनके दशमलव प्रसार कभी खत्म ना हो वो हमारी क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती है, यानी असतत है, यानी चलता ही रहेगा, ठीक है, चलता रहे, ठीक है, लेकिन असतत हो, कभी 4, कभी 1, कभी 2, कभी 3, ऐसी संख्याएं आएंगी तो वो होंगी अपरिमेय संख्याएं, असतत होना चाहिए, ठीक है।
तो वो होंगी अपरिमेय। एग्जाम्पल में याद रखना है, जितनी भी रूट वाली होती है यानी जितनी भी वर्गमूल वाली संख्याएं होती हैं वो सभी तुम्हारी अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, तो याद रखना है जिनका वर्गमूल ना बने वो आपकी क्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, याद रखना जिनका वर्गमूल ना बने वो क्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं होंगी। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे भी मैं आपको करा देता हूँ जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। पूछा जाता है पाई, पाई किस प्रकार की संख्या है? तो पाई का मान सबको पता होगा 22/7 है। ठीक है, तो ये किस प्रकार की संख्या है? तो काफी लोगों का जवाब ये आता है कि 22/7 यानी पाई की वैल्यू जो कि 22/7 है ये परिमेय संख्या है, क्योंकि ये पी बटा क्यू के रूप में लिखी है, यानी पी बटा क्यू के रूप में लिखी है। तो लोग का जवाब आता है कि ये परिमेय संख्या है, परंतु ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका जो दशमलव प्रसार आता है वो सतत नहीं आता, यानी एक जैसा नहीं आएगा। जैसे दशमलव प्रसार सतत कैसा होता है, जैसे लिखा हो 1.1111 ऐसे आए तो ये सतत है, क्योंकि एक ही एक आता जा रहा है। कभी दशमलव प्रसार इस प्रकार का है 1.21453 ऐसे करके आए तो ये असतत है। ठीक है, तो 22/7 जो होता है जिसकी वैल्यू आपको याद रखना है कितनी होती है, 3.14 ये होती, आगे भी ऐसे चलती रहती है। तो 22/7 यानी पाई क्या है, आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार असतत होता है, इसलिए वो कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय। तो यहाँ पर यह नोट कर लीजिए, आपकी पाई भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। आप लोगों को मैं इसका नोट करा देता हूं, आपकी पाई की वैल्यू आपको याद रखना है, तो यहाँ पे पाई की वैल्यू नोट कर लीजिए कितनी होती है, तो ये होती है 1592/65। इसी प्रकार ये चलती रहती है, आप लोग देख लीजिए इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ है। अगर रिपीटेड होने लगता तो वो सतत होता, लेकिन इसका जब हमने डिवाइड किया तो वो सतत नहीं आ रहा, नंबर बदलता जा रहा है। तो जिस संख्या में डिवाइड करने पर नंबर एक जैसा ना आए, असतत है, तो वो होगा आपका अपरिमेय। तो पाई आपकी होती है अपरिमेय, याद रखना अच्छे से। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लास्ट डिस्कस कर लेते हैं इसका अभाज्य संख्याएं। इसका अभाज्य क्या होती है, सह का मतलब होती है कि दो दो संख्याओं का हम जोड़ा लेंगे, तो ऐसी दो संख्याएं लो कि इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, वो होंगी सह अभाज्य। कैसे, यहाँ पे देखिए, तो हमें ऐसी दो संख्याएं लेना जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, जैसे हमने ले लिया 2 और 3। ठीक है, दो के फैक्टर क्या होंगे, 1 गुणे 2 होगा, तो इसमें मेनली 2 आ रहा है ना, 1 तो समझ में आता है। 3 में देख लीजिए 1 गुणे क्या होगा, 3, तो इसमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, जिसमें कॉमन फैक्टर हो जाए वो तुम्हारी सहअभाज्य नहीं होंगे, तो जिसमें कॉमन फैक्टर ना हो वो आपके सहअभाज्य होंगे। जैसे दूसरा एग्जाम्पल सुन लीजिए, यहाँ पे 5,7, यहाँ पे देख लीजिए 5 में भी क्या होगा, 1 गुणे 5 होगा, और यहाँ पे देख लीजिए 1 गुणे 7, तो इसमें भी कॉमन कहाँ पे है, कॉमन है ही नहीं। ठीक है, तो ये तुम्हारी क्या हो जाएंगी, इसका है अभाज्य। इसकी जगह पे अगर ये लिखा हो तो आप लोग बताइए, लिखा हो 4,6, तो 4 को आपको पता है क्या होगा, 4 का आपका हो जाएगा 2 गुणे 2 हो जाएगा, और 6 का क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोनों संख्याओं में कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा जिसमें कॉमन फैक्टर हो जाए तो सहभाज्य होती हैं, अगर कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो क्या होंगी, सह अभाज्य होंगी। आप लोगों ने 4 और 6 का एग्जाम्पल देखा, 4 में क्या लिखा था, 2 गुणे 2 4 होता है। ठीक है, फिर 6 में देखा 2 गुणे 3 होता है, तो 2 गुणे 3 2 गुणे 2, इसमें देख सकते हैं कि दोनों में 2 2 आ रहा है, इसका मतलब कॉमन फैक्टर है। तो ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिसमें कॉमन फैक्टर होगा वो सहभाज्य होंगे, लेकिन जिसमें कॉमन फैक्टर नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा, एक के अतिरिक्त कोई भी नहीं होगा, तो वो होंगी सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास में हमने जितनी भी संख्याएं थी, नंबर थे, इंपॉर्टेंट थे, उनको समझ लिया है। आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, और सबसे पहली अभाज्य संख्या क्या है जो कि 2 है। फिर पूछा जाएगा परिमेय संख्या क्या होती है, तो आपको याद रखना है पी बटा क्यू के रूप में लिखी जाने वाली परिमेय संख्या है, और 0 भी एक परिमेय संख्या है। फिर इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि अपरिमेय क्या है, तो जितनी भी वर्गमूल जिनका नहीं बनता है, जो पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, वो अपरिमेय होंगी। और एक क्वेश्चन सबके इंपॉर्टेंट है जो कि हमने आपको कहा था याद रखना है, पाई हमारा क्या है, तो पाई आपकी हो जाएगी अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पाई किस प्रकार की संख्या है, तो आपको बताना है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सहबाज, सहबाज को डिस्कस कर लिया कि किसी किन्हीं दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनमें कोई भी फैक्टर ना हो, तो वो होंगी सह अभाज्य। तो किन्हीं दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसमें कोई कॉमन फैक्टर हो, जैसे यहाँ पे देखा था 2, तो ये होंगी आपकी सह भाज्य। ठीक है,
तो हमने यहाँ पे सारे नंबर जितने इम्पोर्टेंट हैं इनको डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि इससे अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों के एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, इसके बाद हम अगली क्लास में हम लोग आपको नंबर सिस्टम में बॉड मार्क्स रूल समझाएंगे, तो उसको हम अगली क्लास में समझेंगे। तब तक चाहें तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।